हेलो स्टूडेंट बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपके जितनी भी वीडियो अभी तक आपके जो आपका चैप्टर 3 है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट और चैप्टर 4 है आपका मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मैंने बताया था दोनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक हैं। ये हमें पहले एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा, रीड करना होगा, लर्न करना होगा, उसके बाद में हम दूसरे चैप्टर को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों चैप्टर में आपके कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, तो थ्योरी की वीडियो आपके पास आ चुकी है, अब हमें इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल करने हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल के जो फॉर्मूले होते हैं वो फॉर्मूले यहाँ पर बताए हैं। आपने देखा होगा चैप्टर 3 जो है आपकी बुक में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ एग्रीगेट हैं जो हमें बताए गए थे, जिसमें हमने पढ़ा था GNP एट FC, GDP एट MP, NNP एट FC, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NDP एट FC, तो ये सब चीज़ें हमें इसी चैप्टर में पढ़ने थे। इसमें मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल बताऊंगी जिसमें आपके बुक के कुछ एग्जांपल होंगे और कुछ उसके अनसॉल्व क्वेश्चन होंगे जिनको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर क्या है, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज एट ग्लांस, पहले यहाँ पर एक फार्मूले को देखना है कि हमारे कौन कौन से फार्मूले हैं। मैंने आपको सब फार्मूले आपकी थ्योरी वीडियो में बताए हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए। चैप्टर में आपके जैसे कभी हो जाता है कि PDF में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में चेंजेस हो जाता है, लेकिन ये चैप्टर दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। अगर हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है तो मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट को लेस कर देंगे। डेप्रिसिएशन निकालना है, ग्रोस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है तो नेशनल वैल्यू माइनस डोमेस्टिक वैल्यू माइनस कर देंगे। GDP एट FC निकालना है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो GDP की मार्केट प्राइस जो होती है उसको माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स में से, क्लियर है। NDP MP निकालना है, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस निकालना है, तो GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा हमारा। डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम NDP एट FC निकालना है तो GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। GNP एट MP निकालना है तो GDP MP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा। GNP एट FC निकालना है तो GNP MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। NNP MP निकालना है तो GNP MP माइनस डेप्रिसिएशन। लास्ट है आपका नेशनल इनकम या NNP FC, तो GNP MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये सब आपके फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं। विदाउट लर्न किए आप इनके क्वेश्चन नहीं कर सकते, विदाउट प्रैक्टिस आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो। तो आपको फॉर्मूले भी लर्न करने होंगे और इनकी प्रैक्टिस भी करनी होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपकी बुक का ये फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम और NDP एट FC, जिसमें हमें क्या निकालना है, NDP FC निकालना है, यानी कि नेट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, GNP एट MP 6000, सब्सिडीज 200, डेप्रिसिएशन 100, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400 और इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे 300। फॉर्मूला देखो नीचे हमें सॉल्व करके दिखाया हुआ है। GNP एट MP माइनस कर 6000, इसमें से हमने माइनस करना है, ठीक है। अब माइनस क्या क्या करना है हमें, डेप्रिसिएशन हमारा कितना है 100, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है हमारा 400। देखो यहाँ पर हमारा नेट फैक्टर जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 400 और हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में अब हमारे 300 हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के दिखाए हुए हैं और 200 हमारे सब्सिडीज के दिखाए हुए हैं, ठीक है। 300 माइनस 200 100, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में ही इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो 6000 माइनस 100 माइनस 400 और माइनस 100, टोटल कितना हो गया, ये 400 प्लस 100 और प्लस 100, ठीक है। तो टोटल हो गया ये हमारा 600। अब 6000 में से 6000 माइनस 600 कितना हो जाएगा हमारा, ये 5400। तो 5400 हमारा जो है आपका
किस में आ जाएगा ये हमारा 5400 हमारा ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 5400। क्लियर हो गई इतनी बात, क्लियर हो गया होगा ये आपको। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में हमें निकालना है एन एन पी एट एफ सी, ठीक है। अब सेम वही चीज़, जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है हमारा, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 300, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिया हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड दिया हुआ है, सब्सिडीज दी हुई है, फैक्टर इनकम टू एब्रोड दिया हुआ है, ये सब आपको क्वेश्चन में मिलेगा। आपको फॉर्मूला लगाना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें सेम वही चीज़ें हैं, जी डी पी एट एम पी हमें कितना दिया हुआ है 5500 माइनस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होएगा ये भी हमारा, उसके बाद हमारा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड और फैक्टर इनकम टू एब्रोड इसमें से ये माइनस होगा हमारा, ठीक है। 150 माइनस 250 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसमें से हमारी सब्सिडीज को माइनस कर दिया जाएगा। आप अगर इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा ये क्या 5050, ठीक है। सिर्फ माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर हो गई इतनी बात। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल नंबर 3, जी एन पी एट एफ सी में अब हमें क्या दिया हुआ है NDP at MP 25,000, उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन है 5,000, सब्सिडीज है 30, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है 400 और इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है हमारा 600। देखो इसमें क्या किया हुआ है, इसमें हमारा जो NDP at MC है 25,000 है प्लस 5,000 यानी कि जो हमारा डेप्रिसिएशन है, जो चीज़ हम माइनस करते हैं वो चीज़ हमारे यहाँ पर क्या होएगी प्लस होएगी, ठीक है। प्लस होने के बाद में फैक्टर फ्रॉम और ये रेस्ट टू वर्ड हमारा माइनस होता है और प्लस सब्सिडीज भी ऐड की जाती है। हम क्या निकाल रहे हैं GNP at फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हैं, इन सब को हम टोटल कर देंगे 25,000 प्लस 5,000 और माइनस 200 प्लस 30, ठीक है। प्लस टू ये सब हम करने के बाद में हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 29,830, ठीक है। फॉर्मूले के बेस पे करना है, GNP at FC है तो हमारे यहाँ डेप्रिसिएशन भी प्लस होगा और हमारे यहाँ पर सब्सिडीज़ भी यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो भी हमारे प्लस किए जाएंगे जो हम अब तक माइनस कर रहे थे, ठीक है। क्लियर होगी होगी इतनी बात आपको। उसके बाद आता है हमारा GNP at MP, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सबसे पहले इसमें डोमेस्टिक इनकम दी हुई है हमें NDP at FC, ठीक है 3,200, उसके बाद प्लस डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड। देखो अभी तक हम क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड और टू एब्रोड मिल रहा था, नेट नहीं मिल रहा था। जहाँ पर हमें नेट मिलेगा वहाँ पर हमें इसको डायरेक्टली माइनस कर देना है, उसमें से माइनस नहीं करेंगे। जैसे फ्रॉम टू एब्रोड और फ्रॉम एब्रोड मिल रहा था तो हम दोनों को माइनस कर रहे थे, है ना, लेकिन इसमें हमें नेट मिल गया तो हम इजीली इसको माइनस कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं, NDP at FC 3,200 प्लस डेप्रिसिएशन 400, उसके बाद माइनस हमारा नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड 50 और प्लस हमारी सब्सिडीज, तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा 3,620। इतने एग्जाम्पल क्लियर हो। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो एग्जाम्पल नहीं है, तो हम भी देख सकते थे, है ना, लेकिन मैं अब आपको आपके न्यूमेरिकल बताऊंगी जो आपके अनसोल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट आता है हमारा कैलकुलेट GNP at FC। अब कैलकुलेट GNP at FC में हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है हमारा ये रहा, GNP at FC निकालना है। अब हमें यहाँ पर क्या मिला, NDP at FC हम करेंगे 80,000 है हमारा, ठीक है 80,000 दिया हुआ है। उसके बाद में हमारा अभी हमने जो किया क्वेश्चन, उसमें हमने डेप्रिसिएशन को क्या किया है प्लस किया है, तो 4950 हमने प्लस कर दिया। उसके बाद में हमारा माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड दिया है माइनस 200, उसके बाद हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़ को दिया हुआ है, तो जब हम इसमें से 1770 को लेस करेंगे तो हमारा लेस करके आता है ये
8830, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे, क्योंकि अब तक हमने सब जगह पर क्या किया है, ये माइनस किया है। तो ये सब प्लस माइनस करने के बाद में आपका जो आंसर आएगा 75920। आ गई बात समझ में, फॉर्मूले के बेस पर करना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, NDP@MP प्लस डेप्रिसिएशन माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारे कौन कौन से आएंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें हमें क्या दिखाना है, डोमेस्टिक इनकम को निकालना है, ठीक है। अब डोमेस्टिक इनकम को निकालते हैं। डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, GNP@MP यानी कि मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है भाई, 58,350। उसके बाद हमें यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे क्या क्या हो गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारे 1540 और माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी हमारी क्या होती है, लेस होती है। तो हमने 2,090 को हमने लेस किया है 1,540, तो ये माइनस करके हमारा क्या आता है, 1,050। तो हमने यहाँ पर 1,050 माइनस 625 और प्लस आपका जो नेट फैक्टर दिया हुआ है उसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में हमारा जो आंसर आएगा वो ये आंसर आएगा, ठीक है। कर लोगे, फॉर्मूले बेस्ड है क्वेश्चन, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ओनली फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, GNP@MP प्लस नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, जिसमें हमें क्या निकालना है, NNP@FC यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, चलिए अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला हमारा है GDP at MP कितना है हमारा, 4,800 आ गया। उसके बाद में हमें यहाँ पर कंजप्शंस दिया हुआ है कितना, 200, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दिए हुए, ये तो आपको अब कन्फर्म हो गया होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, है ना। और प्लस हमें क्या मिला हुआ है, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन कैसे होगा भाई, 4,800 माइनस 200 कितना हो जाएगा, 600 माइनस 300 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 240 प्लस 80। आंसर क्या निकल के आएगा इसका, 4,040, ठीक है। आप अपने आंसर अपनी बुक में भी चेक कर सकते हो, और आपकी बुक में भी यही क्वेश्चन होंगे, तो आपको यही क्वेश्चन अपनी बुक में भी करने हैं। इतने तो देखो, बिल्कुल मैं फॉर्मूला बेस्ड करके दिखा रही हूँ, और फॉर्मूले में ही रखने हैं ये सब चीज़ें। तो ये वाले चैप्टर के आपके न्यूमेरिकल बहुत ईजी हैं, इनके आप ईजिली प्रैक्टिस भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका GDP@MP। अब GDP@MP में हमारा क्या है, उसमें हमें क्या दिया हुआ है, नेशनल इनकम दिया हुआ है। तो नेशनल इनकम में हमारा क्या आता है, सबसे पहले हमारी नेशनल इनकम कितनी है, 6,700। उसके बाद फिर से वही हमें, अब मार्केट GDP निकालनी है, तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कंजप्शंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 180। उसके बाद हमारा फैक्टर फ्रॉम एब्रॉड और टू एब्रॉड माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस होने के बाद हमारे पास क्या बचा है, ये 130 माइनस 70 यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो 130 माइनस 70। क्वेश्चन है हमारा नेशनल इनकम प्लस कंजप्शंस ऑफ फिक्स्ड माइनस, है ना, क्या कर देंगे हम इसको, हमारा ये क्या हो जाएगा, 50 और प्लस माइनस 70, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारा माइनस करके निकालोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा इसका 6,990, ठीक है बच्चों। तो आप ये न्यूमेरिकल कर लोगे, एक सेकंड अभी।
बेटा देखो, हमारा जो ये फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी में हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें नेशनल इनकम दिया हुआ है 6700, है ना। तो इसका फॉर्मूला हमें देखना है कि इसमें क्या क्या करना है। फर्स्ट फिर हमें दिया हुआ है कंजप्शन, तो हम इसमें 180 को ऐड कर देंगे। उसके बाद में हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड दिया हुआ है। तो आपको पता है हमने सभी क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, माइनस करके निकाला हुआ है। तो माइनस करके हमारा क्या जाएगा, प्लस 50, और यहाँ पर हमारा 130 इनडायरेक्ट टैक्सेस है और सब्सिडी 70 है। तो 130 माइनस 70 हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये 60। तो हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन, अब हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, 6700 प्लस 180 प्लस 50 और प्लस 60। तो हमारा आंसर निकल के आएगा ये, ठीक है, किसका, जीडीपी एमपी। तो आपको जो सभी क्वेश्चन करने हैं वो सभी क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस्ड हैं, आपको सभी फॉर्मूले को लर्न करना है और उन्हीं के बेसिस पर, जिस तरह से मैंने आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करके दिखाए हैं, आपको अपनी प्रैक्टिस भी इसी तरह से करनी है। देखो, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए हैं और आपकी बुक के स्टार्टिंग के फोर न्यूमेरिकल भी बताए हैं, तो आपको उन्हीं के बेसिस पर अपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। थ्योरी रीड करोगे, चैप्टर को रीड करोगे, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको थ्योरी रीड करनी है, फॉर्मूले को समझना है, ये क्या होते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, नेशनल इनकम क्या है, ये सब आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आप अपने आगे के क्वेश्चंस कर पाओगे। आगे के न्यूमेरिकल कल जो नेक्स्ट चैप्टर के होंगे वो आपको आगे की वीडियो में मिलेंगे। अभी आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है और हर एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। जितने आपकी बुक में है आप उतना कंसेप्ट तो क्लियर कर ही सकते हो, तो आप उस वीडियो को ध्यान से सुने, समझें और अपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, ठीक है, अच्छे से अपनी स्टडी पर ध्यान दें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।